अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूँ, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मैं अपनी न्यूज रिपोर्ट्स और तज्जिये। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट पाकिस्तान में दिफाई शोबे के ताबून से तैयार करदा वेंटिलेटर्स के हवाले से है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में तैयार करदा वेंटिलेटर्स की पहली खेप NDMA के हवाले कर दी है। देसी साख्ता ये वेंटिलेटर्स पहले से मौजूद वेंटिलेटर्स से क्यों मुख्तलिफ हैं और वेंटिलेटर्स बनाने का हमारा पैदावारी हदफ कितना है, वेंटिलेटर्स की ये तैयारी किस तरह से मुमकिन हुई, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट पाकिस्तान में तैयारशुदा वेंटिलेटर्स के हवाले से है। 6 जुलाई पाकिस्तान की तरक्की की जानिब एक बहुत बड़े कदम का दिन था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वेंटिलेटर्स की तैयारी का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हरिपुर में NRTC में वेंटिलेटर्स की तैयारी का इफ्तिताह कर दिया, जो पाकिस्तान की तरक्की की जानिब एक अहम कदम है। इफ्तिताह के मौके पर वेंटिलेटर्स की पहली खेप भी NDMA के हवाले कर दी गई है, जिसे वो पूरे मुल्क के अस्पतालों तक पहुंचाएगा। हरिपुर में NRTC में वेंटिलेटर्स की तैयारी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था, हमारे मुल्क के लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं। वेंटिलेटर्स की मकामी सतह पर तैयारी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी और अहम कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी सारी तवज्जो सेहत के शोबे में बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाने पर मरकूज है। हम जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल के मनसूबों पर हर तरह का ताबुन करने के लिए तैयार है। हम अपने लोगों की फनी महारतों को इस्तेमाल करके खुद इन्हिसारी और तरक्की की मंजिलें तय कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वेंटिलेटर्स की तैयारी का इफ्तिताह करते हुए वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और NRTC की तारीफ भी की और इनके मिसाली काम पर उनको शाबाश भी दी। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान में तैयार किए गए वेंटिलेटर्स पहले से मौजूद वेंटिलेटर्स से बहुत मुख्तलिफ हैं। जब कोरोना वबा फैली तो ना कोई दवाई थी और ना ही कोई वैक्सीन। टोटको और मशवरों के बाद सबसे ज्यादा शोर वेंटिलेटर्स पर मचा। पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बहुत कम थे और कोरोना वबा के आते ही जब वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ी तो अवामी हल्कों में गम गुस्से की लहर दौड़ गयी और सोशल मीडिया पर सवालात की भरमार हो गई। लोग सवाल उठाने लगे, पाकिस्तान के सरकारी और प्राइवेट वेंटिलेटर्स मिलाकर भी इतनी कम तादाद में वेंटिलेटर्स क्यों हैं? हुकूमतों ने सेहत के शोबे पर तवज्जो क्यों नहीं दी? ऐसे सवालात की भरमार थी। ऐसे में वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और NRTC ने मिलकर पाकिस्तानी तारीख का एक अहम बड़ा कदम उठाया और मकामी सतह पर जल्द अज जल्द वेंटिलेटर्स बनाने का न सिर्फ फैसला किया बल्कि अमली तौर पर उन्हें बनाने का आगाज भी कर दिया। जनवरी में ये टास्क NRTC को दिया गया और उसने चैलेंज को कबूल करते हुए इसे बनाने का आगाज किया। दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बना दिए गए। ये वेंटिलेटर्स पहले से मौजूद वेंटिलेटर्स से इस लिहाज से मुख्तलिफ हैं कि ये उनके मुकाबले में पोर्टेबल हैं और बहुत जदीद भी। जी हाँ, ये पोर्टेबल वेंटिलेटर्स हैं, इसलिए इन्हें आसानी से एम्बुलेंसेस, घरों और अस्पतालों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वेंटिलेटर्स पहले से मौजूद वेंटिलेटर्स के मुकाबले में बहुत छोटे भी हैं। वेंटिलेटर्स प्रोडक्शन लाइन में 300+ टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। बताया गया है कि इन वेंटिलेटर्स का सॉफ्टवेयर सिर्फ 3 दिन में कंप्लीट कर लिया गया था, जबकि हार्डवेयर को कंप्लीट करने में 1 हफ्ता लगा था। जनरल मैनेजर शकील अहमद कहते हैं, हमारा पहला हदफ 1 हफ्ते में 50 वेंटिलेटर्स की तैयारी है। हम 25 से 50 वेंटिलेटर्स आसानी से बना सकते हैं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा, संगे मील अबूर, मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स का पहला बैच NDMA के हवाले कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहला बैच NDMA के हवाले किया है। आपको बताते चले, पाकिस्तान में जदीद तर्ज के मकामी वेंटिलेटर्स की तैयारी में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और NRTC ने जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया है और पहली बार मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स तैयार कर लिए गए हैं। NRTC पाकिस्तान का वो पहला इदारा है जो मकामी सतह पर वेंटिलेटर्स बना रहा है। ये वेंटिलेटर्स आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए जा सकते हैं और इन्हें सेफ इवेंट SP100 का नाम दिया गया है। इस पैदावार यूनिट में हर महीने 250 से 300 तक वेंटिलेटर्स तैयार करने की सलाहियत है। वेंटिलेटर्स की तैयारी से मुतल्लिक NRTC हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया था कि जनवरी में वजारत दिफाई पैदावार ने वेंटिलेटर्स की तैयारी का टास्क दिया। तुर्क कंपनी के डिजाइन पर वेंटिलेटर्स तैयार कर रहे हैं। अब तक 12 वेंटिलेटर्स तैयार हो चुके हैं। 1 हफ्ते में हम 75 से 180 वेंटिलेटर्स आसानी से तैयार कर सकते हैं। NRTC हुकाम का कहना था कि पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की तैयारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। इंजीनियरिंग काउंसिल ने वेंटिलेटर को आलमी मयार के मुताबिक करार दिया है। बिलाशुबा नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन यानी NRTC हरिपुर ने पाकिस्तानी तारीख का
बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है। दिफाई शोबे के ताबून से बनने वाले ये वेंटिलेटर्स न सिर्फ पाकिस्तानी जरूरियात को पूरा कर सकते हैं बल्कि हम इन्हें दुनिया को बेचकर जर मुबादला भी कमा सकते हैं। यकीनन पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। इससे ये साबित हो गया कि अगर टैलेंट को आजमाया जाए, सलाहियतों को बुरकार लाने का मौका दिया जाए तो कुछ भी हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। उम्मीद और यकीन यही है आइंदा हम अपने लोगों की फनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए टेक्नोलॉजी के मैदान में मजीद कामयाबियां हासिल कर लेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज फाइंदाबाद जरूर लिखेगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।